बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है, टी एस स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड ट्रेनिंग सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये इस सीरीज़ का सातवां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको टेबल से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स के बारे में स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिगनिंग से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो फर्स्ट 6 लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि टेबल से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स जो हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, उसमें इंसर्ट टेबल है, उसके बाद व्यूअर्स ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, एक्सेल सेपरेट शीट के जरिए से टेबल बनाना और क्विक टेबल्स के जरिए से टेबल को बनाना। उसके अलावा व्यूअर्स, जो इंसर्ट टेबल के हवाले से 2 टैब्स जो हमारे हैं यहाँ पर, एक टेबल डिज़ाइन का और टेबल लेआउट का, इसमें मौजूद तमाम कंट्रोल्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, हम इसको एक्सेस करते हैं इंसर्ट के टैब से। इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करें और यहाँ पर टेबल का ग्रुप है, आप यहाँ से टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल इंसर्ट करना सीख लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप क्विकली टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर को पोजीशन सेट करें जहाँ पर आपने टेबल इंसर्ट करना है, उसके बाद आप इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक करें और यहाँ से आप क्विकली टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अभी 6x4 का टेबल है। 6x4 का मतलब है यहाँ पर टोटल इसके 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 4x8 का करना है, जैसे कि ऊपर टेबल मौजूद है, तो 4 कॉलम्स और जितने आपने रोज करनी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रोज आप देख सकते हैं 8 रोज और मैक्सिमम यहाँ पर 10 रोज और 8 कॉलम्स इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टेबल अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं 10 रोज का और 8 कॉलम्स, इस पर आप क्लिक कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स होंगे और इसी तरह 8 रोज हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसको कहते हैं 10x8 का। अब व्यूअर्स, ये है क्विकली टेबल इंसर्ट करने का तरीका। अब इस टेबल को आपने डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पर क्लिक कर दें, टेबल ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा इंसर्ट पर जाता हूँ व्यूअर्स, इस तरह से आप कर सकते हैं 6x3 4x4, ये 3x3 का है, ये 3x4 का है, 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। जो यहाँ पर 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को और जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को। अब व्यूअर्स, अब इससे बड़ा आपको टेबल चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल कितने रोज हैं, यहाँ पर टोटल 8 रोज हैं और मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, कॉलम यहाँ पर टोटल हैं 10, ठीक है। अब आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए 12, ठीक हो गया। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, मुझे रोज चाहिए 12, तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर ऑफ कॉलम में 12 और नंबर ऑफ रोज में 12। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर 3 ऑप्शन है, फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक करके मैं ओके करूँगा तो जो कॉलम की विड्थ है वो तमाम कॉलम्स की सेम हो जाएगी, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट, इसके बारे में, और ऑटो फिट टू विंडो, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक करके मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर तमाम सेम कॉलम्स का हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो है इस वक्त कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स हैं और 12 ही रोज हैं। अगर आप इसको जूम आउट में करता हूँ तो ये बाकी रोज यहाँ पर अगले पेज पर आ रही हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप जो बड़ा टेबल इंसर्ट करना हो तो आप इस तरीके से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर और ऑप्शंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब है ड्रॉ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसकी आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है, रोल नंबर है, नेम, क्लास, सेक्शन की 5 कॉलम्स हैं इसकी और 8 रोज हैं और 9 रोज के अंदर टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये है 5x9 का टेबल। अब मैंने एक और टेबल बनाना है, कॉम्प्लेक्स किस्म का टेबल, तो मैं क्या करूँगा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करूँगा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ड्रॉ टेबल क्या होता है, आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है, टेबल पर क्लिक करना है और ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है, तो आपका जो माउस का पॉइंटर है वो ये पेन की शक्ल इख्तियार कर देगा। सबसे पहले हम टेबल का बॉर्डर बना लेते हैं कि कितना बड़ा हमें टेबल चाहिए, ये मैंने बॉर्डर बना लिया। उसके बाद जितने आपको कॉलम्स चाहिए, जितनी रोज चाहिए, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। तो मुझे एक रोज चाहिए, इसकी हाइट आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर
तीन कॉलम चाहिए, तो मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा माउस के थ्रू, ड्रैग किया मुझे तीन कॉलम्स यहाँ पर बन गए। और मुझे यहाँ पर जो ये सेल है इसको मैंने सेपरेट करना है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर एक अंदर एक और कॉलम बना दूँगा। मुझे इस तरह का टेबल चाहिए तो मैं ड्रॉ टेबल को इस्तेमाल करूँगा। मैं डेट पर्टिकुलर लिख देता हूँ, बैलेंस लिख देता हूँ, और नीचे जो मैंने दो यहाँ पर सेल्स बनाए हैं इस सेल को स्प्लिट कर यहाँ पर देता हूँ बुक और वैल्यू। तो इस किस्म के टेबल्स अगर आपने बनाए हैं तो आप ड्रॉ टेबल के जरिए से इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा व्यूज ड्रॉ टेबल के जरिए से आप एक और टेबल मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल, और यहाँ पर एक और टेबल हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डायगनली सेल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि आपके पास एक ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से एक लकीर खींची डायगनल, इस जगह पे आपने डेट लिखनी है, इस जगह आपने डे लिखना है, तो आप इस तरह से ड्रॉ टेबल के जरिए इजीली इस किस्म के टेबल को बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप कोई भी कॉलम दे दें जो आपने नेम रखना है कॉलम का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, इस जगह पे आप डेट को एंटर प्रेस करके यहाँ लिख डे, ठीक है। अब डेट को थोड़ा सा आगे लेके जाना है तो आप यहाँ पर कर्सर लेकर आए और ठीक हो गया। अब एक सेल के अंदर दोनों तरफ से कवर होगा, तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आप ड्रॉ टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल अगर आपने बनाना है तो आप ड्रॉ टेबल के जरिए से अपने नीड के हिसाब से टेबल को बना सकते हैं। व्यूअर्स, टेबल को खत्म करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। टेबल पर आए, डिलीट टेबल पर क्लिक, सॉरी यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और डिलीट टेबल पर क्लिक कर दें, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट भी है, आप टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, देख सकते हैं आप जैसे ही आप टेबल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ रहता है, इस बॉक्स पर आप क्लिक करें तो इंटायर टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल एक्स से भी आप इस टेबल को ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से करें या डिलीट करें, दोनों तरीकों से आप टेबल को ख़त्म कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है, मैं एक रो यहाँ पर आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। रोल नंबर, फिर मैंने टैब दबा के लिखा है नेम, फिर टैब दबा के क्लास, फिर टैब दबा के सेक्शन, फिर टैब दबा के मार्क्स, फिर एंटर प्रेस किया यहाँ रोल नंबर, टैब दबा के नेम, यहाँ पर इस तरह से मैंने सिंगल टैब दबा के टेबल एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये बताता हूँ आपको। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, आप मुकम्मल टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। अभी मुकम्मल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी 9 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। आपने टेबल पर जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये डायलॉग ओपन हो जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितनी भी कॉलम्स होंगे टेबल के और जितनी रोज होंगी वो यहाँ पर लिखी आ जाएंगी, ठीक है। अब ये टेबल ये जो टेक्स्ट है ये आपने सेपरेट किया हुआ है टैब्स के जरिए से, तो यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट एड ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैब के रेडियो बटन पर क्लिक हुआ है, जस्ट आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद से पहले यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर मैं ऑटो फिट टू कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, या कंटेंट के हिसाब से टेबल यहाँ पर हमारा बन चुका है, ठीक है। ऑटो फिट का मतलब ये होता है ये कंटेंट के हिसाब से है, 3 ऑप्शन होती हैं ऑटो फिट की, इसको आप 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये था कि आप टेबल जब बना रहे हैं उस वक्त इसको कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से ऑटो फिट पर क्लिक करें, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तीसरे नंबर पे व्यूअर्स, जो टेबल के टैब्स हैं इसमें आपने लेआउट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप ऑटो फिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। अभी ऑटो फिट टू कंटेंट है, ये ऑटो फिट टू विंडो हो गया, और ये ऑटो फिट टू कंटेंट अगेन करते हैं, ये ऑटो फिट टू फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर देख सकते हैं, ऑटो फिट टू विंडो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है। इस तरीके से आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यूअर्स 2 सैंपल्स और हैं टेबल के। अब ये जो फर्स्ट टेबल हमने कन्वर्ट किया है टेक्स्ट को, ये मैंने सेपरेट किया हुआ था टैब के जरिए से, ठीक है। अगर आपने टेबल इस तरह से कोमा के जरिए सेपरेट किया, रोल नंबर कोमा नेम कोमा क्लास कोमा मार्क्स, फिर रोल नंबर के आगे यहाँ पर नीचे वाले
रो के अंदर मैंने रोल नंबर लिख दिया, कॉमा प्रेस करके नेम लिख दिया अली, फिर कॉमा प्रेस करके क्लास की जगह यहाँ टेंथ लिख दिया, और फिर कॉमा प्रेस करके मार्क्स में 600 मार्क्स लिख दिए। तो इस किस्म का टेक्स्ट भी टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पर जाना है, टेबल पर जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर व्यूअर्स वही डायलॉग बॉक्स है। इसने खुद यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया कि इस टेबल की 2-4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने ऑटो फिट बिहेवियर सेट करना है, उसके बाद आपने सेपरेट टेक्स्ट ऐड, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडियो बटन पर क्लिक है, क्योंकि ये जो टेबल है इसके अंदर टेक्स्ट सेपरेट हुआ हुआ है कॉलम से, कोमा से। तो यहाँ पर कोमा में पहले से क्लिक है, जस्ट आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल ली है, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो डैश के साथ मिला हुआ है, ठीक है, डैश के जरिए से मिला हुआ है आपस में। अब इसको टेक्स्ट को मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पर जाऊँगा, यहाँ पर टेबल पर जाऊँगा, और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, अदर के अंदर रेडियो बटन पर क्लिक हुआ हुआ है पहले से, और यहाँ पर डिलीमिटर डैश लगा हुआ है पहले से, ठीक है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑटो फिट टू कंटेंट कर देते हैं, ओके पर क्लिक करें, देख सकते हैं ये ऑटो फिट टू कंटेंट भी हो गया और टेबल में कन्वर्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन है एक्सेल सेपरेट शीट की। व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मार्च शीट है, यहाँ पर आप टोटल करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करके रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो ये तमाम काम होता है एक्सेल में। तो एमएस वर्ड भी हमें सहूलत मुहैया करता है कि आप टेबल को एक्सेल में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक नए पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं कर्सर लेकर आया, इंसर्ट पर गया, टेबल पर गया, यहाँ पर मैंने कर देना है एक्सेल सेपरेट शीट पर। तो यहाँ पर व्यूअर्स होगा क्या, यहाँ पर एक्सेल की सेपरेट शीट भी ओपन हो जाएगी, साथ एक्सेल का ये तमाम की तमाम विंडो भी ओपन हो जाएगी, जो एक्सेल की कंट्रोल्स भी ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे, नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, ठीक है। अभी टेबल है, यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ, रोल नंबर 1, क्लास 10, मार्क्स 650। नेक्स्ट पे चल जाते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर 2, क्लास 10, ये मार्क्स आ गए। एक स्टूडेंट और ले लेते हैं यहाँ पे, नेम, रोल नंबर 3, क्लास 10, मार्क्स ले लेते हैं इसके 600। अब यहाँ पर मैंने टोटल करना है, तो टोटल के लिए आर्ट इक्वल शॉर्टकट की मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये टोटल हो गया। तो इन सेल्स को मैंने मर्ज करना है, यहाँ पर टोटल लिखना है, फिर यहाँ सेलेक्ट करके मैं सेल को मर्ज कर दूंगा और यहाँ लिखूंगा टोटल। अब ये छोटा सा टेबल बनाया है, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन की है मैंने, इसको यहाँ से मैं होल्ड कर देता हूँ। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, इस टेबल को एडजस्ट कर लेना है जितना इसका साइज़ है। तो आप यहाँ पर आएंगे और ये इसको इस तरह से ड्रैग करके एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक किया और इसको भी आपने बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर नहीं चढ़ाना, उसे थोड़ा सा पीछे आप ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही आप डॉक्यूमेंट के किसी भी बाहर वाले किनारे पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है टेबल यहाँ पर एक्सेल सेपरेट शीट के जरिए से बन चुका है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये एक्सेल सेपरेट शीट के जरिए से था। अगर आपने इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अगेन वही सेपरेट शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वापस आपने जाना है तो अगेन बाहर आप क्लिक कर देंगे तो आपका मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अगेन आ जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हुई। अब लास्ट में है क्विक टेबल्स का। क्विक टेबल क्या होता है व्यूअर्स, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर व्यूअर्स मैं आपको टेबल का मुकम्मल डायलॉग बॉक्स के बारे में बताऊंगा और जो टैब्स ओपन होते हैं उन टैब्स के कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। अब क्विक टेबल्स ये हैं कि व्यूअर्स, जैसा कि यहाँ पर टेबल मैंने इंसर्ट किया है, ये वाला टेबल, इसकी मैंने फॉर्मेटिंग करनी है तो उसमें मुझे टाइम लगेगा बहुत सा। तो क्विक टेबल्स हमें पहले से प्री फॉर्मेटेड टेबल यहाँ पर नमूने मौजूद हैं, जहाँ पर आपने इंसर्ट करना है आप माउस का पॉइंटर लेकर आएँ, इंसर्ट पर जाएँ, टेबल पर जाएँ, क्विक टेबल पर क्लिक करें, तो यहाँ पर जितने भी जो नमूने पहले से यहाँ पर सैंपल्स टेबल के मौजूद हैं उनको ओपन हो जाएंगे। अब ये कैलेंडर के टेबल का सैंपल है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ठीक है। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स के सैंपल हैं, जैसे कि अब ये टेबल है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये टेबल इंसर्ट हो गया। यहाँ पर मैं अपना डाटा लिखूँगा और ये प्री फॉर्मेटेड टेबल हमारे पास मौजूद है। यहाँ से इसके स्टाइल भी आप तब्दील कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। बैंडेड रो को ख़त्म करना है, इस पर क्लिक कर देंगे, अब बैंडेड रो ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स अगर आपने क्विकली टेबल्स बनाने हैं प्री फॉर्मेटेड, तो आप इसके ज़रिए से बना सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब व्यूअर्स हम जो टैब्स होते हैं टेबल के,
टेबल डिजाइन का और लेआउट का, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यूअर्स अभी टेबल पहले से बना हुआ है, इस टेबल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कोई टैब ओपन नहीं है। इस टेबल पर क्लिक करते ही दो टैब आ जाएंगे, एक टेबल डिजाइन का और लेआउट का। अब इसके अंदर व्यूअर्स सबसे पहले टेबल स्टाइल देख लेते हैं, एक ये नॉर्मल स्टाइल है, ठीक है, ये दूसरा स्टाइल है, ये तीसरा, जो स्टाइल आपको पसंद आए आप यहाँ पर क्लिक करें, ये लिस्ट मुकम्मल खुल गई है। इस जिस स्टाइल भी आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है उस पर जिसका आपने क्लिक कर देना है और वो स्टाइल आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि ये स्टाइल है। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये इसके अंदर जो बैंडेड रोज हैं, बैंडेड रोज कहते हैं कि हर दूसरी रो यहाँ पर डार्क है, ठीक है, अगर आपने ये ख़त्म करनी है तो यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर बैंडेड रो के चेक बॉक्स को आप यहाँ से हटा दें तो ये बैंडेड रोज ख़त्म होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो फर्स्ट हेडर रो है, हेडर रो को आपने कलर को ख़त्म करना है, इस पर क्लिक कर दें, हेडर रो का कलर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम की ऑप्शन है, लास्ट कॉलम पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो नमूना मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम बैंडेड नहीं है, कलरफुल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अगेन यहाँ पर बैंडेड रो पर क्लिक कर देता हूँ, हेडर रो पर क्लिक कर देता हूँ, तो अगेन वैसे ही हमारे पास स्टाइल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नमूने हैं इसके अंदर से मैं ये वाला नमूना सेट करता हूँ, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है ये बैंडेड है, इसको आपने ख़त्म करना है तो आप फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो ये इसकी बैंडेड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो भी बैंडेड है, हेडर रो, इसको भी आप से ख़त्म कर दें, उसके बाद बैंडेड रो जो है इनको ख़त्म कर दें, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, यहाँ से आप क्लिक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वैसे वैसे यहाँ से जो स्टाइल्स हैं वो तब्दील होते रहेंगे। अब फर्स्ट रो पर क्लिक करूँगा, ये देख लें रो यहाँ पर हाईलाइट होंगे तमाम, अब ये मुख्तलिफ किस्म के आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करूँगा तो कॉलम भी यहाँ से देख सकते हैं आप बैंडेड जो कॉलम है वो भी कलरफुल आ गया, तो ये स्टाइल होते हैं। अब इसकी शेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो नॉर्मल हमारा स्टाइल है उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर शेडिंग में क्या होता है व्यूअर्स, शेडिंग के अंदर आप शेड सेट कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये शेड लगा दिया, ये हल्का सा शेड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और जो रिमेनिंग हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर कोई और शेड लगा देता हूँ, कोई हल्का सा कलर लगा देता हूँ, ये कलर लगा दिया। अब जो टोटल का कॉलम है, टोटल के रो के अंदर मैं यहाँ पर इसकी शेडिंग में इसका भी शेड तब्दील कर देता हूँ, ठीक है, इसी तरह जो टोटल का है सेल्स उसका शेड तब्दील कर देता हूँ। व्यूअर्स अगर आपने खुद ही फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेआउट के अंदर क्या चीज़ें रह गई हैं, लेआउट पर चलते हैं। लेआउट के अंदर अब रह गया है डिज़ाइन के अंदर अब रह गया है बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पर जो इस टेबल का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉर्डर आपने तब्दील करना है, इसकी मुख्तलिफ लाइन्स के कलर्स हैं, अब कलर आपने करना है तब्दील, जैसे कि ये कलर है मैं इस कलर पर क्लिक करता हूँ और जिस रो का आपने तब्दील करना है उस रो पर आप इसको ड्रैग कर देंगे, जैसे कि ये रो है, इसके बाद ये फर्स्ट रो है और इसके बाद ये टोटल की है। अब मैंने इन तीन जगहों पर इस कलर को अप्लाई कर दिया, देखिए मैं बाहर आ गया, देखिए जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है वहाँ से जो बॉर्डर का कलर है वो तब्दील हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्डर की लाइन है, ठीक है, लाइन आपने कौन सी करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप उसको ड्रैग कर देंगे तो वही जो लाइन का स्टाइल है वो आपकी सेलेक्टेड सेल्स पर, सेलेक्टेड रो पर, सेलेक्टेड कॉलम पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर व्यूअर्स इसकी मोटाई है, जैसे कि ये मैंने लाइन ली है इसकी मोटाई मैं यहाँ से तब्दील कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर मोटी लाइन लग जाएगी, ठीक हो गया व्यूअर्स, ये अब आपको समझ आ गई, शेडिंग भी आ गई, बॉर्डर स्टाइल भी आ गया, बॉर्डर पेन कलर है, पेन का कलर आपने कौन सा चूज करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर है बॉर्डर्स, ये जो बॉर्डर्स हैं व्यूअर्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये ऑल बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसको मैंने तब्दील करना है, मैंने यहाँ पर कर देना है सिर्फ जो है आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करने से क्या होगा, सिर्फ आउटसाइड पर बॉर्डर लग जाएगा, जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा स्टाइल वही लगेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल लग जाएगा, मुझे जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग करना है, इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई करना है तो ये तमाम का तमाम नॉर्मल बॉर्डर लग जाएगा, ये इस तरह से आप ड्रैग करके अप्लाई करेंगे और आपका बॉर्डर जो है
वो सिलेक्टेड बॉर्डर लग जाएगा। अब ये नॉर्मल बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी बॉर्डर आप करेंगे इसके हिसाब से ये सेम वही एडजस्ट हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले टेबल को मुकम्मल सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से क्लिक करके, और टेबल डिज़ाइन पर जाकर बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ऑल बॉर्डर्स, तमाम बॉर्डर लगे, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, और इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स। सिर्फ इनसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट करें पहले टेबल को, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आउटसाइड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स आ गए, और ये डायगोनल लाइंस आ गई, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट आप क्लिक करें। अच्छा, ये यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर आ गया, अच्छा ये टॉप बॉर्डर आ गए। अगर मैं इसको बिल्कुल बॉर्डर्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरह से वर्क करेगा। जैसे कि ये स्टाइल है, ठीक है, अब इस स्टाइल के अंदर हमें बॉर्डर लगाने हैं, तो मैं बॉर्डर पर जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो ऑल पे लग जाएगा, नो बॉर्डर्स करूँगा कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, राइट तरफ करूँगा तो राइट पे लग जाएगा, लेफ्ट तरफ करूँगा तो लेफ्ट तरफ बॉर्डर लग जाएगा, टॉप पे करूँगा तो सिर्फ टॉप पे बॉर्डर लगेगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए आप पहले तमाम बॉर्डर्स को हटाएंगे और फिर यहाँ से अप्लाई करेंगे। उसके बाद है बॉर्डर का पैटर्न। अब यहाँ पर जो बॉर्डर्स पैटर्न हैं ये भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्लैक लाइन सेलेक्ट की हुई है, कोई और लाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो वो लाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अभी इस हेडर जो है इस पर मैं ये मोटी लाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इतना से देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोटी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो व्यूअर्स, ये था टेबल लेआउट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगेन मैं इसकी फॉर्मेटिंग तमाम हटा देते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर लें, टेबल डिज़ाइन पर जाएं और डिज़ाइन के अंदर आप नॉर्मल डिज़ाइन पर क्लिक कर दें। अब तमाम फॉर्मेटिंग हट चुकी है, अब हम चलते हैं जो दूसरा टैब है लेआउट का टैब, इसके बारे में सीखते हैं। इसके अंदर व्यूअर्स सिलेक्शन होती है, ठीक है। अब मैं इस वक्त इस सेल पर हूँ, तीन नंबर पर, ठीक है, मैं सिलेक्ट करूँगा सेलेक्ट सेल, ये मुकम्मल सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने शुरू में वीडियोस में आपको यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, शॉर्टकट कीज भी हैं इसकी, सेंटर लाइन करना है कंट्रोल ई, लेफ्ट लाइन करना है कंट्रोल एल, राइट लाइन करना है कंट्रोल आर, ठीक है। अब ये जो रोल नंबर लिखा है ये इस वक्त लेफ्ट लाइन हुआ है, अगर सेंटर करना है कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट तरफ ये अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट तरफ अलाइन हो जाएगा। अगर अलाइनमेंट आपने होम टैब के जरिए से भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है व्यूअर्स, ये शॉर्टकट्स हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये मुकम्मल रो सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, लेआउट पर जाएंगे, सेलेक्ट पर जाएंगे, सेलेक्ट इंटायर रो। अगर आपने ये वाला मुकम्मल रो नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम, मुकम्मल कॉलम। अगर मुकम्मल टेबल सेलेक्ट करना है तो आप करेंगे सेलेक्ट टेबल, ऐसे भी सिलेक्ट टेबल हो जाएगा और यहाँ क्लिक करने से मुकम्मल टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद है ड्रॉ, ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता दिया, इरेज के बारे में नहीं बताया, इरेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टेबल है सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा टेबल, जैसे ये टेबल मैंने ड्रॉ किया, अब ये वही बॉर्डर आ रहा है जो पहले से बॉर्डर लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं बॉर्डर तब्दील करूँगा, बॉर्डर के स्टाइल तब्दील करूँगा तो हमारा नॉर्मल बॉर्डर रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अब नॉर्मल बॉर्डर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ये अप्लाई हो गया नॉर्मल बॉर्डर। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ डाली है, ठीक है, अब ये लाइन एक मैंने कॉलम यहाँ डाला है, एक रो इधर डाली है। अब मैंने इस वाली जो लाइन को मिटाना है तो मैं इरेज पर जाऊँगा, इरेज पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ये देख सकते हैं लाइन मिट गई है, अभी मुकम्मल सेल बन चुका है यहाँ, तो इसको इरेज को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब टेबल पर अगेन आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है, देख सकते हैं जहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ वो इरेज होता जा रहा है, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा तो ये इरेज होना ख़त्म नहीं होगा, कंट्रोल जी से आप अपना जो वापस ला सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब यहाँ पर है डिलीट। अब डिलीट में क्या होता है व्यूअर्स, ये जो रो एंड कॉलम का मुकम्मल ग्रुप है इसको आप यहाँ राइट क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये मुकम्मल रो डिलीट करनी है, इसको सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल पर जाएँ, यहाँ पर कर दें डिलीट इंटायर रो, तो ये मुकम्मल रो डिलीट हो जाएगी। अब आपको रोल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है, आप इस तरह से कॉलम सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल पर जाएं, डिलीट इंटायर कॉलम पर क्लिक कर दें, तो ये
मुकम्मल कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट भी इसी तरह से कर सकते हैं आप। आपने दूसरी और तीसरी रो के दरमियान रो इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक करें, इंसर्ट पर जाएं, इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक कर दें, इन दोनों के दरमियान रो हुई इंसर्ट। अगर आपने दो से ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक करें, इंसर्ट पर जाएं और कर दें इंसर्ट रो अबव, तो इसके ऊपर अबव होगी, रो इंसर्ट होगी। अगर आपने नेम वाले कॉलम के से पीछे वाला पीछे कॉलम इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करें, इंसर्ट पर जाएं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट पर क्लिक कर दें, तो इसके लेफ्ट तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी हैं, इंसर्ट अबव करूँगा, जहाँ पर मेरा कर्सर होगा उससे ऊपर रो इंसर्ट होगी। ठीक है, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है तो इंसर्ट अबव करूँगा तो यहाँ पर इसके ऊपर रो इंसर्ट होगी। ठीक हो गया व्यूअर्स, अगर मैं इंसर्ट बिलो करूँगा तो इसके नीचे रो इंसर्ट होगी। इसी तरह इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो इससे पहले कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अगर मैं करूँगा इंसर्ट राइट तो इसके आगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मुकम्मल। अब है स्प्लिट सेल्स, तो स्प्लिट सेल्स क्या होता है व्यूअर्स, यहाँ पर अब ये अगर मैं एक ही सेल के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं, तो टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब इस टेबल के अंदर इस सेल को मैंने स्प्लिट करना है तो मैं स्प्लिट पर जाऊँगा। ठीक है, मैंने इस सेल के अंदर दो कॉलम बनानी है, एक रो बनानी है, ओके पर क्लिक करूँगा तो ये दो कॉलम बन गए और एक ही रो है। ठीक है, ये होता है सेपरेट सेल, सेल को एक से ज़्यादा सेल के अंदर सेपरेट करना। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक टेबल, यही टेबल हम देख लेते हैं, इसके अंदर व्यूअर्स अब मैंने क्या करना है, इस सेल के अंदर जैसे कि यहाँ पर है एक, यहाँ है पार्टिकुलर्स और यहाँ है बैलेंस। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने क्या करनी है, एक रो इंसर्ट करनी है और इसको इस कॉलम को दो कॉलम में इंसर्ट कन्वर्ट करना है। तो मैं स्प्लिट पर आऊँगा, ठीक है, दो कॉलम हो जाएंगे और रोज को भी मैं दो कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं, अब ये यहाँ पर इसके अंदर अंदर सिर्फ दो कॉलम इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं मर्ज कर दूंगा, यहाँ से मर्ज सेल करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो गए। अब यहाँ पर मैंने लिखना है डेबिट या क्रेडिट, ये देख सकते हैं आ चुका है। ठीक हो गया, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्प्लिट सेल से क्या होता है, सेल स्प्लिट हो जाता है एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर। अभी बैलेंस के अंदर मैंने इसको दो, इसके दरमियान में लाइन लगानी है तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इसको कितने कॉलम इसके अंदर लगाने हैं आपने, तो यहाँ पर दो आ रहा है। नंबर ऑफ रोज एक ही रो करनी है, तो देख सकते हैं एक ही सेल के अंदर दो कॉलम बन गए, रो एक ही है। ठीक हो गया व्यूअर्स, इस तरीके से आप सेल को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम अगेन इसी टेबल पर आ जाते हैं, स्प्लिट टेबल है। अब मुझे चार से आगे ना एक नया टेबल बनाना है, मैं यहाँ पर स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दूंगा तो चार देख सकते हैं, सॉरी चार से स्प्लिट होगा, जिस रो के ऊपर आपका कर्सर होगा वहाँ से आपका टेबल स्प्लिट हो जाएगा। मैंने पांच, ये ऊपर वाले जो चार हैं इसको अलग करना है और जो नीचे वाले चार हैं इनको अलग करना है। मैं स्प्लिट पर क्लिक कर दूंगा, लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल, तो यहाँ से डाटा स्प्लिट हो गया। ये है स्प्लिट टेबल। उसके बाद लेआउट के अंदर है ऑटो फिट, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से डाटा ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट टू कॉलम, फिक्स्ड कॉलम फिट करेंगे तो तमाम कॉलम्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो विड्थ है वो फिक्स ही है। ठीक है, अगर इस कॉलम की विड्थ यहाँ से मैंने बढ़ा दी, इसकी कम कर दी, और अब मैं इसको करता हूँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसको सिलेक्ट करके तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप जाएँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिक्स्ड ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में होता क्या है, यहाँ पर व्यूअर्स जो कॉलम की विड्थ है, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, वो हो जाती है फिक्स। ठीक है, वो उसमें फिर होता यह है कि अगर आप फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ फिक्स कॉलम विड्थ, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अहमद हसन। ठीक है, अब अहमद का जो हसन है ना वो नीचे वाले, वो नीचे चला गया है क्योंकि कॉलम की विड्थ यहाँ पर फिक्स हुई पड़ी है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर साइज़ है, अब ये जो रो है इस रो का साइज़ मैंने इंक्रीज़ करना है।
ठीक है, इसकी हाइट इंक्रीज करनी है तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अगर आपने कॉलम का साइज इंक्रीज करना है, ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रोज आपकी, कुछ रोज का जो साइज है वो आपका बड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये रो हो गई, उसके बाद रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड हो गया। तो इन तमाम रिकॉर्ड को आपने, तमाम रोज के साइज को बराबर करना है, तो आप मैनुअली करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, आपने कर देना है डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो तमाम रोज बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। अब व्यूअर्स यहाँ पर इसी तरह कोई कॉलम छोटा हुआ हुआ है, कोई बड़ा हुआ हुआ है, तो आप जब करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर, तो तमाम कॉलम्स बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, तमाम कॉलम का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और रो है। अब व्यूअर्स यहाँ पर जो ये ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम, इसको आप शॉर्टकट मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये काम हो सकता है, देखें मैं इस कॉलम का साइज डिक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ये आएगी मुकम्मल टेबल को। राइट क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पर क्लिक करें, देखें तमाम कॉलम बराबर हो गए। तो ये ऑप्शन आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह ये सेल की वो है, क्या नाम है, जो अलाइनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल के लेफ्ट में तमाम डाटा लिखा हुआ है, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये चाहिए सेंटर में, सेल के सेंटर में, तो ये तमाम डाटा सेल के सेंटर में आ गया, ठीक है। इसकी तीन ऑप्शन होती हैं, ये फर्स्ट है अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक है, सेकेंड है अलाइन सेंटर लेफ्ट, यानी आपके सेल के सेंटर के अंदर आ जाएगा टेक्स्ट, और ये है अलाइन बॉटम, बॉटम लेफ्ट, सबसे नीचे वाली है अलाइन बॉटम लेफ्ट। अब इसके ज़रूरी ये है इसके लिए कि मैं तमाम जो रोज का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ कर दूँ, ताकि आपको मालूम हो सके कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसको डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक कर देते हैं, तो ये साइज ऑटोमेटिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एवरेज के हिसाब से कि कितना मुझे चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा साइज इंक्रीज है। अब मैंने ये सेल, इस वक्त एक ही सेल पर आप काम करते हैं, ये अहमद वाला सेल है, इस सेल को मैं टॉप लेफ्ट करूँगा तो ये सेल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस सेल के ऊपर लेफ्ट तरफ अलाइन हो गया। इस कॉलम को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर मैंने इसको राइट तरफ लेके जाना है तो मैं यहाँ पर राइट तरफ कर दूंगा। अब ये टॉप राइट पर है, ये टॉप सेंटर है, ठीक है। अब है दूसरी ऑप्शन, ये है सेल पर आए, ये है देख सकते हैं आप अलाइन सेंटर लेफ्ट। अब ये सेल के सेंटर के अंदर लेफ्ट पर अलाइन हो गया, अलाइन सेंटर, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा सेल के। और यहाँ पर क्या होगा, अलाइन सेंटर राइट, सेंटर में राइट तरफ अलाइन हो गया। अब ये बॉटम है, इसी तरह ये बॉटम में आ गया लेफ्ट में, ये बॉटम सेंटर में, और ये बॉटम राइट में चला गया। तो ज़्यादातर व्यूअर्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ज़्यादातर अपने सेल्स को सेंटर में अलाइन करते हैं, ताकि तमाम टेक्स्ट हमारा खूबसूरत लगे। अब जैसे ये नेम्स हैं, इन नेम्स को तो हम लेफ्ट तरफ ही अलाइन करेंगे तो ये अच्छे लगेंगे, बाकी तमाम टेक्स्ट ये आप इस तरह से सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये अलाइनमेंट होगी। अब टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये रोल नंबर का आपका कॉलम है, इसका जो रोल नंबर है वो इतने कॉलम के अंदर भी आ सकता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन तब्दील कर देंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद ना, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें रोल नंबर को, और यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करें, देखें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये अपवर्ड हो गई, और ये नॉर्मल हो गई, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब सेल का मार्जिन है व्यूअर्स, मार्जिन क्या होता है, इसके टॉप से फ़र्क और बॉटम से फ़र्क। सेल मार्जिन पर क्लिक करें, और यहाँ से टॉप का मार्जिन है 0 सेंटीमीटर, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर, बॉटम का है 0 सेंटीमीटर, इसको कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये टॉप और बॉटम के अंदर सेल में मार्जिन 3 सेंटीमीटर का एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब ये टॉप और बॉटम का है, अगर आपने लेफ्ट और राइट का मार्जिन भी करना है, यानी 0.25 सेंटीमीटर मैंने लेफ्ट का कर दिया, और इसी तरह 0.2 सेंटीमीटर मैंने राइट का कर दिया, तो यहाँ से लेफ्ट और राइट में इस वक्त मार्जिन इंसर्ट हो गया। मैं जैसे नेम लिखता हूँ अली मोहम्मद, आप देख सकते हैं ए जो है ना मैंने लिखा है। अब ये लेफ्ट तरफ भी 0.25 सेंटीमीटर मार्जिन आ गया, और राइट तरफ भी मार्जिन आ गया। इस तरह टॉप में 0.3 सेंटीमीटर मार्जिन आ गया, और बॉटम में भी 0.3 सेंटीमीटर मार्जिन आ गया। तो ये सेल मार्जिन होता है व्यूअर्स। आ गया सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कैसे वर्क करती है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स
अगर आपने इसको, मैं थोड़ा सा जो टेबल की रोज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने किसी भी रो को सिलेक्ट करके छोटा कर देना है। अब इसके अंदर दरअसल हमने सेल मार्जिन एडजस्ट किया हुआ है, इसको पहले हम 0-0 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल छोटा हो सके। ओके पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब एडजस्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, कॉलम को थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं। कॉलम्स को आसान तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करके आप एडजस्ट करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन इसकी नॉर्मल कर देते हैं ताकि ये रोज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। साइज किसी 2-3 रोज का आप छोटा करेंगे ना, तो जब डिस्ट्रीब्यूट रोज का मतलब होता है, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम रोज हैं उसका और जो मिनिमम रोज की हाइट है उसका एवरेज निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रोज ये देखें एवरेज के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं आपको बता रहा था सॉर्टिंग का, तो अभी हमने सॉर्ट करना है नेम के हिसाब से। तो आप नेम वाले कॉलम पर क्लिक करें, सॉर्ट पर क्लिक करें तो सॉर्ट का डायलॉग ओपन होगा। यहाँ सेंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है, और ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो है ना, अब यहाँ पर जो लास्ट ये सेल्स हैं इसकी वजह से ये एडजस्ट नहीं हो रहा। हम इस रो को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट रो, मुकम्मल रो डिलीट हो गई। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे नेम वाले कॉलम को, नेम को सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने लेआउट पर जाना है और यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करना है। सॉर्ट में ये टेक्स्ट है इसको मैंने असेंडिंग करना है, ओके पर क्लिक कर। एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सेलेक्ट अनदर एंट्री फॉर द लिस्ट। अच्छा ये वैलिड नहीं है, इसको यहाँ पर हम ये जो जैसे ये सेक्शंस हैं इनको करके देख लेते हैं। सॉर्ट टेक्स्ट सॉर्ट बाय कॉलम 4, ओके। अच्छा कॉलम सेलेक्ट नहीं था इसकी वजह से ये हो रहा था। अब इसको अगेन इसी नेम वाले को करते हैं सॉर्ट, ये है कॉलम 2, कॉलम 2 सेलेक्ट किया और यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। देख सकते हैं आप ए वाले ऊपर आ गए हैं, उसके बाद बी वाला, उसके बाद जेड वाला। तो ये सॉर्टिंग है व्यूअर्स। अब लेआउट के अंदर बाकी चीज़ें क्या रह गया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आपने टेबल में तो कन्वर्ट करना सीख लिया, अगर आपने इसको अगेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखें टैब पहले से सेलेक्ट हुआ है, ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जो टेबल आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करने हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे और लेआउट पर जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब आपने इसको अगेन टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टोटल आप कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, सम का फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेबल, ओके। यहाँ पर आपने टोटल करना है, ठीक है। अब व्यूअर्स रो इंसर्ट करने के लिए आप जिस रो के नीचे रो, अब लास्ट रो यहाँ पर नीचे इंसर्ट करनी है, टैब के जरिए से भी रो इंसर्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जब रो के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ही प्लस के साइन के जरिए से भी रो इंसर्ट हो सकती है, और कॉलम भी इस तरह से इंसर्ट हो सकता है। तो ये लेटेस्ट वर्जन इस वक्त मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है और रो भी इस तरह से इंसर्ट हो सकती है। मैंने रो इंसर्ट कर ली, मैंने यहाँ पर टोटल करना है। मैं इस सेल पर क्लिक करूँगा और जाऊंगा लेआउट में, लेआउट में क्लिक करूंगा फार्मूला पर, और फार्मूला में सम अबव ये पहले से लिखा हुआ है, नंबर फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट कर दूंगा। मैं नंबर फॉर्मेट 0 रखता हूँ, यानी अगर मैं 0.00 कर दूंगा तो मार्क्स में पॉइंट्स आ जाएगा। बस आपने यहाँ पर क्या कर देना, ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो सम अबव तमाम ऊपर वाले सम हो जाएंगे। और अगर आपका डाटा इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, और आपने यहाँ पर जमा करना है, तो आप क्या करेंगे, सम लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट तरफ वाला सारा सम हो जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का तमाम डिस्कस हो चुका। व्यूअर्स अब यही ऑप्शन आप तमाम की तमाम राइट क्लिक करके जो टेबल प्रॉपर्टीज़ है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ रही है लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज़, तो इसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसके अंदर भी यही ऑप्शन है। इसमें ये अलाइनमेंट्स आ गई टेबल की, सेंटर करेंगे आप ये टेबल सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर टेबल आपका छोटा है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, आप राइट क्लिक करें, आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसको अगर आपने लेफ़्ट अलाइन करना है लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, ठीक है।
राइट क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टीज पर जाएं। अगर आपने सेंटर लाइन करना है सेंटर पर क्लिक कर दें, ओके पर क्लिक कर दें, सेंटर लाइन हो गया, ठीक है व्यूअर्स। और अगर आपने इसके ऑटो फिट करना है ऑटो फिट टू विंडो, तो अगेन उसी हालत में आ गया। अब व्यूअर्स इस प्रॉपर्टीज का जो टेबल है इसके चार पांच टैब्स हैं, एक टेबल है, एक रो है, एक कॉलम है, एक सेल है। अच्छा, प्रेफर विड्थ, अब यहाँ पर 100% आ रहा है, अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 80%, ठीक है 90% पर ले आया। इससे क्या होता है, इससे टेबल की जो विड्थ है वो यहाँ से खुद ही छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी आपको कॉलम को खुद छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपने परसेंटेज नहीं है तो आपका टेबल खुद ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 80 कर दिया, मैं इसको अगेन 100 करूँगा तो ये मुकम्मल विंडो पर फैल जाएगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब टेबल प्रॉपर्टीज़ की ओर देख लेते हैं, यहाँ पे ये अलाइनमेंट है टेबल की, ये टेक्स्ट रैपिंग है, ठीक है, यानी आपने टेबल को किस तरह से ट्रीट करना है, टेक्स्ट के ऊपर रखना है या टेक्स्ट के दरमियान में रखना है, ये टेक्स्ट रैपिंग होती है, टेबल की पोजिशनिंग होती है। अब ये है रो, ठीक है, अब ये रो की हाइट है। अब जैसे कि ये वाली रो है, इसकी मैंने हाइट इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पर रो पर जाके इसके यहाँ पर 0.64 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया, तो इसकी रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, मैंने आपको बताया है, यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सेम काम होगा, ठीक है। तो टेबल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स है, ये तमाम के तमाम मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, जस्ट आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ। इसके बाद ये कॉलम है, ये कॉलम की विड्थ है जो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद सेल है, इस सेल की अलाइनमेंट है जो मैंने यहाँ से आपको तमाम बता दी है। इसके बाद ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने टेबल के हवाले से तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग और तमाम की तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया, जो कि किसी भी एमएस वर्ड यूज़र के लिए नहायत ज़रूरी है। टेबल एमएस वर्ड यूज़र के लिए एक नहायत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, इसको सीखना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके राय का जाहिर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।